कोरोना वायरस के इस भयावह काल में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को एक बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के एकमात्र सरकारी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल को 200 बेड की सौगात मिली है और इसमें 90 डॉक्टर्स की तैनाती भी की जाएगी। दरअसल थानेश्वर के विधायक सुभाष सुधा ने अपने निवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कुरुक्षेत्र का एकमात्र सरकारी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल अब 200 बेड का किया जा रहा है। आपको बता दें, पहले यहां पर 100 बेड थे, लेकिन अब अलग से 200 बेड और 90 डॉक्टर्स की तैनाती भी की जा रही है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल के विशेष मार्गदर्शन में कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल को अब 200 बेड का किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के हमारे हेल्थ मिनिस्टर श्री अनिल विज जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैंने बहुत समय से 200 बेड के लिए डिमांड रखी थी, इसमें 100 बेड का हॉस्पिटल हमारा तैयार हो गया था और आज क्षेत्रवासियों को हमने 100 बेड का और 200 बेड का आज से शुरू हो जाएगा। आज 200 बेड उन्होंने डिलीवर कर दिए है, तो आज हमारे पास लेटर भी आ गया है उस 200 बेड का। आज हॉस्पिटल हमारा बिल्डिंग 100 बेड की हमारी ऑलरेडी तैयार है। 50 बेड की हमारा जो पुराना था उसको स्ट्रक्चर को तोड़कर 100 बेड का होगा, लेकिन 200 बेड की सेंक्शन आ चुकी, स्टाफ जो है आज से ही 200 बेड का काम होना शुरू हो जाएगा। तो आज उनके लिए जो 90 पोस्टें हैं उसके लिए भी आज गवर्नमेंट ने उसकी चिट्ठी दे दी है कि उसको भरा जाए और तुरंत इसको काम किया जाए। ये बहुत बड़ी एक, मैं कहूँगा, शहरवासियों के लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। बहुत दिनों से हमारी इसकी डिमांड चल रही थी। साथ साथ में हम कहेंगे, हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर कहीं भी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जितनी मात्रा में ऑक्सीजन हम गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं उतनी मात्रा में हमारे हॉस्पिटल में आ रही है। लगभग 350 बेड आज ICU के वेंटिलेटर के टोटल बेड हमारे लगे हुए हैं। उसके अलावा हमने आइसोलेटर के लिए 50 बेड हमने गीता स्कूल में भी हमने रखे हुए हैं। भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, भोजन का भी हमने कार्यक्रम जब भी डिमांड निकलती है हमने यहाँ पर एक गीता रसोई के नाम से हमारे पुराने विद्यार्थियों ने शुरू कर रखी है, वहाँ से जो भी टेलीफोन करता है घर पे भोजन पहुँचाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे सैफन होटल में भी हमने एक रखा है, वहाँ भी हम पूरा नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से भी किसी को डिमांड है उसके वहाँ से भोजन किया जाता है। इसके साथ हमें डर ही है कि अब गाँव के अंदर भी कोरोना बढ़ सकता है, उसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारी जितनी भी CSC PSC हैं सब पर हम आदरणीय हमारे हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज जी ने अभी कहा है और हम वहाँ पर पूरी तैयारी हम कर रहे हैं और वहाँ पे पूरे बेड की अरेंजमेंट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गांव के अंदर हमारा कंट्रोल रहे। आपको बता दें, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र भी कोरोना से अछूती नहीं है और इन दिनों में कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जिला का एकमात्र लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल 200 बेड का किया जा रहा है, जिसमें 90 डॉक्टर्स की तैनाती भी की जा रही है। डॉक्टर्स के साथ साथ अलग से स्टाफ और स्टाफ नर्स की भी तैनाती होगी और सभी प्रकार की सुविधा भी जिला के एकमात्र सरकारी अस्पताल में मिलेगी। अब लोगों को इलाज करवाने के लिए एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज मिलेगा और अब 200 बेड की सौगात मिलने के बाद कुरुक्षेत्र की जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।